माननीय प्रिंसिपल नमस्कार। यहाँ में उपस्थित हैं हमारे कमांडेंट साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा और मतलब कि एकदम फुल स्टाइल में आपने जो आज बात कहा है, हमें मोटिवेट किया है। यहाँ में हमारे सुनील असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कॉलोय, त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जॉन देपर्मा, विशु देपर्मा, सोशल वर्कर्स, यहाँ में शर्मा जी हैं। यहाँ में टू ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबको मैं सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कहां दे? अगर आप ठीक है तो मैं भी ठीक हूं। कहां दे मतलब कि हाउ आर यू, तो मैं ठीक है। अगर ये ठीक है तो मैं ठीक हूं, आप ठीक है तो देश भी ठीक है। अगर आप ठीक नहीं है, आप खुशी नहीं है, तो देश कितना भी बड़ा हो, एक छोटा सा भी, ये तो इंडिया तो एक पूरा देश। लेकिन अगर आपको शरीर में अगर एक जगह में भी थोड़ा सा दर्द होगा तो पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है। तो आपको खुश रहने के लिए पूरा देश को सोचना चाहिए। हम लोग जितना भी छोटा हो, जितना भी बुकुमबारा हो, लेकिन अगर त्रिपुरा सा खुश नहीं है तो इंडिया भी खुश नहीं रहेगा। आज आपका फ्रेशर्स है, टुडे इज योर फ्रेशर्स, 15 फ्रेशर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी यहां में वी हैव टीचर्स, वी हैव प्रिंसिपल हियर, एंड हुमलुंग में यू हैव अ प्रॉपर कॉलेज। प्रिंसिपल साहब, यू हैड रिक्वेस्टेड दैट अभी कैंटीन हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट आप मुझे यहां में मत बुलाइए। प्लीज कॉल मी टू योर कॉलेज व्हेन द कॉलेज इज फंक्शनिंग। आई विल कम एंड स्पेंड 2-3 आवर्स इन योर कॉलेज। आई वॉन्ट टू सी इन द कॉलेज हाउ इज द क्लासरूम। आई वॉन्ट टू सिट एंड टॉक विद द टीचर्स एंड यू कैन टेल मी व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स। I want to go and see your playground. I want to see how the students are doing. मुझे जाके देखना है कि कॉलेज में टॉयलेट्स ठीक है कि नहीं, विमेन के लिए अलग से टॉयलेट है कि नहीं, उनका टॉयलेट सफा है कि नहीं, रात में सिक्योरिटी का पैरामीटर क्या है, टीचर्स कैसे आते हैं, टीचर्स को वापस जाने के लिए क्या कुछ सुविधा है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कोई बस सर्विसेज हो सकता है कि नहीं। कॉलेज में सिर्फ हम लोग किताब देखकर किसी को बोलेंगे पढ़ो, वो नहीं होगा। कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, मैं वहां में आपसे आपका एक्चुअल पोजीशन देख के, कॉलेज में कैंटीन में क्या खाना मिलता है, कैंटीन तो बना दिया लेकिन कैंटीन बनाने के बाद उसमें क्या मिल रहा है खाने के लिए। मैं आके जो खाना आपको मिलता है वो मैं खाना चाहता हूं, देखता हूं कि ठीक है कि नहीं। ये जो आप लोगों का, और मैं आपको किसी को ब्लेम भी नहीं करता हूं, सबका एक छवि है महाराजा का, मुबागरा का, वो नुयुम्मा में उजंता पैलेस में टोपी पहनकर तलवार लेकर अचकन पहनकर घूम रहा है। ये 2021 है, आज वो पगड़ी वो अचकन पहन के जो घूमता है ना, वो पीसी सरकार है, वो महाराज नहीं है, वो जादूगर लोग करता है। मैं आई एक्चुअली वॉन्ट टू कम टू योर कॉलेज and I want to
sit down and see what are your problems. And I want to promote education. Education ko main promote karna chahta hoon, but I want to promote it not only amongst our siklas, anachalas. I want to promote education amongst our gurui. Because gurui matlab women. जब तक हम लोग विमेन को आगे नहीं रखेंगे, जब तक हम लोग विमेन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे इन द रोल ऑफ एजुकेशन, जब तक आपके लिए आसान नहीं होगा कॉलेज में आकर शिक्षा प्राप्त करना, तब तक कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता. 50% ऑफ आर सोसाइटी इज विमेन. And we cannot keep our women inside and progress as a dogha until we do not let our women come out, get jobs, get education and get employment and start their own business. I would like to know if we have a vending machine for sanitary pads in the college. Do we have it? Sab log ko sharam lagta hai baat karne ke liye. Kyun? मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ इशू. इसको हम पीछे नहीं रख सकते. दिस इज अ इशू. बात करना चाहिए. सो एडीसीज फर्स्ट जॉब शुड बी टू प्रोवाइड अ वेंडिंग मशीन. और मैं खुद ही अपने पॉकेट से वहां में कुमलो कॉलेज में लगाऊंगा. हम लोग बहुत चीज से शर्म आते हैं. हमको शर्म आता है बोलने के लिए. और क्योंकि हमको शर्म लगता है, क्योंकि किसी ने आज से 50 साल पहले 100 साल पहले कानून बनाया कि इसके बारे बात मत करो, इसके लिए आज भी हम ये बात नहीं करते. लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं. यही कानून ने बोला था कि औरत को पर्दा का पीछे रहना चाहिए. यही कानून ने बोला था कि जनजाति को जंगल में रहना चाहिए. किसी ने बोला था कि ये जात का आदमी ये काम करेगा, ये यहां में होगा, ये यहां में होगा. इससे सोसाइटी को बांटा जाता है. ये 2021 है. 10-15 दिन के बाद 2022 होगा. द यूथ ऑफ तिपरा, द तिपरा सा, द तिपरा जब, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ तिपरा शुड बी रेडी टू फेस द न्यू जनरेशन, द न्यू चैलेंजेस. सब लोग यहां में आपको दे कॉल यू इन द डायस और हम लोग सब भाषण देंगे. सब लोग भाषण देंगे. लेकिन सच क्या है कि आज का यूथ हमारे जनरेशन और हमसे पहले वाले जनरेशन से ज्यादा जानता है. टेक्नोलॉजी इसका है. जो न्यूज़पेपर पढ़ के हम लोग सवेरे 2 घंटा बिताते थे, आज आपके मोबाइल फोन पे. जो दुकान जाकर आपको कुछ खरीदना पड़ता था, आज थ्रू जोमैटो या स्विगी से आप ऑर्डर कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी बदल रहा है. आज यूट्यूब है, आज सोशल मीडिया है, आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है. आपका कम्युनिकेशन उससे हो रहा है. पहले चिट्ठी लिखा जाता था, आज व्हाट्सएप से आपका एक मैसेज जाता है. लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रहा है, हमको भी समझना है कि टेक्नोलॉजी का गुड साइड भी है एंड देयर इज अ रॉन्ग साइड. गुड साइड हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जो नेगेटिव साइड है कि विदाउट वेरीफाई करके कोई र्यूमर फैला देना, किसी के खिलाफ कोई फोटो को वायरल कर देना, किसी को शेम करना. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो आज यहां में है, ये सबको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है. क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने ये नहीं देखा, तो वो इसको आपको समझा भी नहीं सकते. तो आपका जनरेशन जो है, आपके पास और ज्यादा चैलेंजेस.
मैं त्रिपुरा में अपने तिपरा सा तिपरा जग के बारे मैंने बहुत कोशिश किया. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग टूडे, यहां इस प्रोग्राम में मुझे आने का बात नहीं था. मैं अगरतला में था, आज डॉक्टर आके मुझे चेक करके गया. आई गॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आई हैड गिवन यू माई कमिटमेंट दैट आई विल कम एंड सी ऑल माई स्टूडेंट्स. I have given you my commitment. I have come here because I love all of you. You all, you know, sab bolta ki Maharaja ko itna energy kahan se aata hai? Aap log se aata hai. Jab I say, koi ne kaha, I love you. Aap log ne bola, I love you too. Theek hai? Usse aata hai. वो जो एनर्जी वहां से आता है ना, उसको आप पैसा से कंपेयर नहीं कर सकते. उसको आप वो लाल बत्ती लगाकर, सामने पुलिस पीछे पुलिस, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर सब सल्यूट कर रहा है, उससे नहीं मिलता है वो एनर्जी. वो तो टेम्पररी है. मेरा माँ भी था, मेरे माँ के सामने भी पुलिस रहता था. मेरे पिताजी महाराजा, उनके पास वो भी एमपी था, उनके पास भी था सिक्योरिटी बॉडीगार्ड, वो गाड़ी फ्लैग लेके चलते रहते. कुछ नहीं मिलता जब नहीं था तो, कुछ नहीं था. लेकिन ये जो प्यार आप लोग का है, ये परमानेंट लव है. आपका दिल नहीं तोड़ सकता हूं, इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर यू एवरी डे एंड आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर यू. स्टूडेंट्स हैव अ रोल इन सोसाइटी. बट जब मैं आया त्रिपुरा पहले बार, तो मेरा भी बहुत अलग अलग आइडियाज था. लेकिन मैंने एक चीज त्रिपुरा में प्रॉब्लम देखा. देयर इज वन प्रॉब्लम इन त्रिपुरा. त्रिपुरा में अभी रूमी मोरा सिंह एंड मानिक यहां में गाना गाएगा. मानिक इज देयर, रूमी इज देयर. त्रिपुरा में हम लोग के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन हम लोग के पास पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेता लोग. और ये नेता लोग हम लोग का यूथ को हमेशा इस आंदोलन में जाओ, उस आंदोलन में जाओ, यहां में मिशिल करो, वहां में मिशिल करो. ये पॉलिटिक्स त्रिपुरा का पास टाइम बन गया. मैंने इसके लिए एक सिद्धांत लिया है. उस दिन बाइचू भूटिया आया तो मुझे फोन आया कलकत्ता से, अरे बाइचू भूटिया अगरतला गया है, कहां मेरे दिखाई होगा? बोला नहीं, अगरतला में दिखाई नहीं पड़ेगा, एडीसी में. बोले एडीसी क्या है? बोला कि कुमुलुम है हम लोग का, टीटीए एडीसी का राजधानी. बोला कहां में? हमने बोला त्रिपुरा में. बोला त्रिपुरा में और एक राजधानी है? हम बोला हाँ. और अगर प्रद्युत मानिक्य रहा ना, तो अगरतला से 10 टाइम अच्छा करके कुमुलुम को दिखाएगा. अभी जब हमारे कमांडेंट साहब बात कर रहे थे, मुझे फोन आया एयरपोर्ट से, सर लकी अली आ गया है. हम बोला हाँ. अस्तबल में होगा क्या प्रोग्राम? हम बोला नहीं, अस्तबल में नहीं होगा. कहाँ होगा? बोला कुमुलुम. अरे बहुत दूर है कुमुलुम. अगर कुमुलुम बहुत दूर है तो अगरतला भी हमारे लिए बहुत दूर है. कल कुमुलुम में लकी अली. आसाम से एक आदमी का फोन आया, अरे प्रद्युत भाई ये पापोन, पापोन आ रहा है. हाँ, ये पापोन त्रिपुरा में कहां गाएगा? बोला कुमुलुम में गाएगा. अब आप देखना, मैंने पापोन से बात किया, पापोन बोला नेक्स्ट टाइम ना मैं सोनू निगम को भी लाऊंगा. No.
तुम्हें नौटियाल का मिला। अब खुमुलुंग विच मीन्स खुमुलुंग, आप फूल के बारे में बात कर रहे थे, फ्लावर्स इज अ सिटी ऑफ फ्लावर्स, ये तो फ्लावर गार्डन है खुमुलुंग। अब खुमुलुंग में मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट को खुमुलुंग के मैप में रखूंगा। किसी ने बोला कि टिकट का दाम कितना होगा? हमेशा यू नो मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, कोई नेगेटिव ही ढूंढते जा रहा। तो मैंने कहा कि टिकट मतलब टिकट कत हो गए। तो सबसे सुहेल से मैंने बात किया, पूर्ण चंद्र से बात किया, यहां में हमारा टीएसएफ लोग हैं। मुझे लगा कि अगर गवर्नमेंट ये प्रोग्राम कर रहा है तो गवर्नमेंट का काम नहीं है पब्लिक से पैसा उठाना। जब गवर्नमेंट मूर्ति बना सकता है, जब गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी के लिए इतना खर्चा कर सकता है, जब गवर्नमेंट अपने ऊपर इतना खर्चा कर सकता है, तो जब पब्लिक के लिए कोई प्रोग्राम कर रहा है तो पब्लिक से रुपया नहीं उठाना चाहिए। तो लेट मी अनाउंस दैट ये पापॉन लकी अली का शो पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक का स्टेडियम है और ये शो फुल फ्री है आप सब के लिए। गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं कहना चाहिए टिकट बेचना है, ये कर रहा है, वो सब नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, नहीं नहीं 500 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन कल लकेरी आएगा, एक मैसेज जाना चाहिए, मीडिया इज ऑल्सो देयर, मैसेज जाना चाहिए कि खुमुलुंग में हम लोग अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगरतला से भी लोग आएंगे, आने दीजिए, सब जगह से, आसाम से, शिलोंग से, बॉम्बे से आ रहे, आने दो। यहां में जब प्रोग्राम होगा, जब यहां में फेस्टिवल होगा, इसके बाद त्रिंग है, इसके बाद क्रिसमस है, इसके बाद न्यू ईयर्स है, यहां में होने दो, तब इसके बाद अगर ये प्रोग्राम शांति से, झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग ने आराम से एंजॉय किया, अगर अच्छा से हुआ तो इसके बाद यहां में हम लोग और लोगों को लाएंगे और खुमुलुंग को एक नेशनल म्यूजिक कैपिटल। आप लोग थक गए ना, यूथ को हमेशा आंदोलन करते हो, चक्रांत करते हो, एखाने रवींद्र संगीत हो, एखाने ये हो, ठीक है, वो सब अच्छा है, आई रिस्पेक्ट, बट यूथ है, आप लोग का टाइम है, आप लोग आज नहीं सुनेगा म्यूजिक, आज आप लोग डांस नहीं करेगा, आज आप लोग एंजॉयमेंट नहीं करेगा तो कब करेंगे? 70 साल का आदमी को ब्रेक डांस करने से ये आपका टाइम। लेकिन मैं इतना कर रहा हूं आपके लिए, यू हैव टू गिव मी वन थिंग इन रिटर्न, एंजॉयमेंट भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, म्यूजिक भी होगा, लेकिन एजुकेशन को आपको इग्नोर नहीं करना। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक तिप्रासा तिप्राजा इन द नेशनल। एक टाइम था जब कोई तिप्रासा का शब्द ही नहीं पहचानता था, आज पूरा इंडिया नोटिस कर रहा है। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग अपना कल्चर, अपना हॉस्पिटैलिटी, अपना जो आइडेंटिटी है, अच्छे तरीके से पूरे देश को दिखाएं। अगर हमने अपना नेगेटिव साइड दिखाया, अगर हमने नेगेटिव चीज किया, एक दूसरे से झगड़ा करना जैसे कुछ दिन हुआ, तो हमारा छवि सबके सामने खराब होता। हमारा ड्यूटी बनता है कि तिप्रासा का जो आइडेंटिटी है पूरा देश देखे
और बोले कि हाँ, ये लोग का एक इतिहास है, they have a culture, they have a history, and they are proud people. They may be Bukumbara, but they are proud people. But we are good, strong, and loyal, honest. We are honest people. That is your duty. I am also in the ADC. मैं ADC में हूँ. वो government तो ज़्यादा नहीं है. प्रिंसिपल साहब, आपने बहुत चीज डिमांड किया, ये चाहिए ये चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा. लेकिन मैं आपको थोड़ा ADC के बारे में बोल देता हूँ. ADC मीडिया दे है ना, मीडिया भी सुन लो, थोड़ा रिकॉर्ड करके भेजना हमारे अगरतला CM. इज अ गुड मैन, लेकिन इनको ये मैसेज जाना चाहिए. ADC क्या है? जब हम लोग इलेक्शन जीते, मुझे भी लगा रहे ADC में पावर में आ गया, आप तो बहुत चीज कर सकते हो. तो ADC एक ऐसा चीज है, आप सवेरे उठता है, एक अच्छा सा आपको घर देखने वाला वेटर आता है, बोलता है सर आप ब्रेकफास्ट में क्या खाए? तो मैं बोलता हूं कि अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, ठीक है, मैं ऑमलेट खाऊंगा और थोड़ा सा दलिया, थैंक यू. एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, चार घंटा हो गया, अभी पेट में है. वही वेटर आता है, सर अभी तो 12 बज गया, सर लंच में आप क्या खाएं? ठीक है, थोड़ा सा चाकू दे दो, मस्तिंग दे दो, गर्मा बुद्धि दे दो. अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बज गया, दो बज गया, तीन बज गया, कुछ नहीं. तो 4 बजे वही आदमी आता, सर 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 अभी चाय, चार समय आते सर, क्या खाए? ठीक है, सिंगारा और एक चाय दे दो. छह बज गया, सर डिनर समय तो 8 समय अच्छे, डिनर क्या खाएंगे? डिनर तो ठीक है, हमको थोड़ा सा, हम लोग तो टिपरा सा है तो भांगोई तो खाने ही है, रात में भी खाता है, भांगोई दे दो और थोड़ा सा चाकू दे दो या तो खान दे दो. ठीक ठीक 9 बज गया, वो आता है ऑमलेट और दलिया लेके. सर आपने ऑर्डर कर दिया तो दे रहा है आप दलिया ऑमलेट रात के 9 बजे आ गए. और तो बोलते ना कमिटमेंट साहब, हम लोग देगा, दे रहा है. तो पूरा दिन चला गया, आपके पेट में कुछ नहीं है, आप काम भी नहीं कर सकता है, और जो आपने सवेरे ऑर्डर किया था वो रात में आप दे रहा है. और तो बोलता है अरे मोर पावर, हम आपको ADC को मोर पावर दे रहा है. आज ADC गवर्नमेंट भी एकदम ऐसे ही, अप्रैल में हम लोग पावर में आया है, अभी दिसंबर जनवरी खत्म ही हो गया है सर, अभी तक सिर्फ थोड़ा दलिया और ऑमलेट मिला. और तो बोलता अरे पावर चाहिए, ले लो पावर, अरे मोर पावर. आज बुबाकरा इसके लिए फाइट कर, और मैं चाहता हूं कि हमारे CM साहब इसको सुने, हमको भी विटामिन चाहिए. और ये विटामिन अगर आप हमको नहीं देना चाहते तो बोल दो कि हट जाओ, हम हट जाएंगे, आप चलाओ. लेकिन ये मत बोलो कि हमने आपको सब दिया है और आप लोग कुछ नहीं कर. सिस्टम में बहुत गलत चीज होता है, लेकिन सिस्टम का सबसे बड़ा खराब चीज, आज जो आप आर्मी में हैं, आप यूनिफॉर्म, आप उसमें एक चीज अच्छा है, उसमें चेन ऑफ कमांड क्लियर है. हां तो हां, ना तो ना. ये हां का मतलब मेबी, ना का मतलब सोचेंगे, ये सब हमसे नहीं होता. वो सिंगम में बोलता ना, हाँ नहीं होता. हम लोग
कुटुंब वाला लोग है, हम लोग सीधा है, आप हमको बोलो क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, नेतागिरी मत करो। और मैं आपको एक ही बात बोलने आया हूं, आप लोग स्टडी करो, आई वॉन्ट यू ऑल टू कम अप। मैं एज प्रद्युत विक्रम मानिकीय आपको एक बात बोलूंगा, मैं कुछ बात बोल सकता हूं जो आपको पसंद नहीं आए, मेनी पीपल मे नॉट अप्रिशिएट, मेनी पीपल डोंट लाइक मी, बहुत लोग हमको पसंद भी नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं चोर नहीं, मैंने किसी भी आप किसी दिन भी आपके पॉकेट में हाथ डाल के आपका रुपया छीना, मैं जो भी करता हूं दिल से करता हूं, अगर पसंद है तो ठीक है, अगर पसंद नहीं है तभी भी मैं वही करूंगा जो मेरा दिल मुझे बोलता है कि ठीक कर लेगा। और आप लोग भी ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, यू आर यंग, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सक्सेसफुल एंड मेनी ऑफ यू विल डू वेरी वेल, कोई फेल होगा, हार जीत ना स्कूल में खत्म नहीं होता है, हार जीत कॉलेज के बाद भी खत्म नहीं होता है। आप हारता कब है जानता है, जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। ये होप, ये बिलीफ, ये विश्वास ही आपको पूरा जिंदगी भर तक चलाए। So I am telling you that trust in yourself, trust in the man who speaks not for himself or herself, but a person who speaks for the entire community, the entire state, the entire country. And trust, Bhagwan ne, God ne, Allah ne, Ishwar ne, हम लोगों को एक टैलेंट दिया है, वो है कि आप अपना आंख से देख के पहचान सकता है कि कौन झूठ बोलता है और कौन दिल से काम करता है, कौन जो भाषण अच्छा देता है और कौन जो अपना दिल से अपना कमिटमेंट लगाकर फाइट करता है। और वो पावर आपके पास है और किसी के पास वो पावर नहीं है। आज आप क्लासरूम में बैठकर यू कैन फाइंड आउट हु इज अ गुड टीचर एंड हु इज अ टीचर हु इज कमिंग टू टीच बिकॉज दे वांट सैलरी। यू कैन सी अ पर्सन हु इज अ गुड फ्रेंड एंड अ फ्रेंड हु इज ओनली देयर फॉर यू बिकॉज यू आर पॉपुलर। दैट इज योर इंस्टिंक्ट, दैट इज योर टैलेंट एंड दैट शुड बी होन्ड। इसको आप बरकरार रखो। Last and not the least, tomorrow के program में आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, आ रहे कि नहीं? हाँ, आ रहे? इतना आ रहे हैं, आ रहे? अगर अमिताभ बच्चन को लाए तो आएगा? हाँ, कल के program में आप आ रहे कि नहीं? कुमलों में आप आ रहे? मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा हंसो यार, आप लोग तो सब यंग है, ठीक है, म्यूजिक करो, हंसो, इसके बाद रूमी मुरा सिंह, इसके बाद मानिक, आपको का वो बुबाकरा ही गाना है, बुबाकरा वो है, आप लोग गाना गाओ, आप लोग एंजॉय करो और इसके बाद एंजॉयमेंट के बाद आप अपने घर ठीक से जाओ। आपके घर में आपके माँ है, आपके पिताजी हैं, आपके सिस्टर्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, अंकल्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सीखो, सोचो। और अगर आप सक्सेसफुल हुए, मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर ने आज से
ऑलमोस्ट 80 साल पहले एक परिकल्पना किया था अबाउट महाराजा वीर विक्रम कॉलेज, MBB कॉलेज। मैं चाहता हूं कि अब एक ऐसा कॉलेज निकले जो MBB कॉलेज से भी ज्यादा अच्छा हो, और अगर उसके लिए उनका नाती, महाराजा वीर विक्रम का नाती अगर आपके लिए कुछ कर सकता है, तो अगर गवर्नमेंट भी रुपया नहीं देता है तो मैं अपने पॉकेट से, जो भी है मेरा, मैं खुद के पॉकेट से, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई सिंसियरली आई लव एंड बिलीव मी, वन डे यू विल से दैट दिस भूभागरा did not compromise on his people or his community. You have a wonderful, wonderful freshers, happy freshers, and after that, a wonderful youth festival with Papon and Lucky Ali. And then, I want to wish you for a thring. Have a wonderful thring. Have a Merry Christmas and have a wonderful New Year. And be ready for 2022 and 2023. That is our. Bye bye, Mumbai. Thank you.